Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, my name is Michael, welcome back to another new episode of GTA5. Guys, you have seen it in the last episode, Chop ne, dosto, ek bahut hi acha ghar buy kiya tha apni girlfriend ke liye. हालांकि दोस्तों फ्रैंकलिन ने बाय करवाया था अच्छी तरीके से, लेकिन गाइस हम लोगों ने वहां पर देखा कि उन दोनों को कुछ कार जो है काफी खास पसंद नहीं आया. ठीक है, तो फिलहाल अभी यहां पर लॉस सैंटोस में काफी ज्यादा बर्फ गिरी हुई है, तो जिसके कारण आज आप लोगों को पता ही होगा यहां पर कि माइकल जो है काफी ज्यादा ठंड भी यहां पर गिरी हुई है, तो जिसके कारण आज जो है ट्रिप एक जो है जा रही है. ठीक है, तो यहां पर ट्रिप में जाने वाले हैं दोस्तों फ्रैंकलिन, ट्रेसी और उसका न्यू बॉर्न बेबी. ठीक है, तो गाइस आप लोगों को एक बात बता के मेरे को काफी ज्यादा हैरानी होगी कि वो जो बच्चा हुआ है भाई ट्रेसी का, वो काफी ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है और साथ ही साथ में दोस्तों जो उसका एक तरह से बिहेवियर है वो बहुत ही ज्यादा मतलब अग्रेशन में है, और साथ में दोस्तों बहुत ही ज्यादा वो मतलब कितना ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है, या फिर पता नहीं कोई जादुई बच्चा है गाइस, और मतलब काफी ज्यादा मैच्योर है. ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा गाइस, मैं आप लोगों को वाला जो है बच्चा दिखाने वाला हूं, उसमें मेरे ख्याल से लगता है कोई सुपर पावर्स हैं गाइस, ऐसा कुछ सोचने को मेरे को देखने को मिल रहा है. लेकिन गाइस जो है फ्रैंकलिन और ट्रेसी का जो बच्चा हुआ है वो मतलब काफी ज्यादा खतरनाक एक तरह से. ठीक है, क्यूटनेस भी काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन इसी तरह को बोलते हैं क्यूट विद बीस्ट. ठीक है, मतलब एक तरह से ब्यूटी विद बीस्ट, क्यूट विद बीस्ट नहीं, ब्यूटी विद बीस्ट जिसे बोलते हैं गाइस, वो वहां पे हम लोगों को देखने को मिलने वाला है. ठीक है, तो आज फिलहाल दोस्तों अभी माइकल आ रहा है प्रीमियम मोटर डिलक्स स्पोर्ट से, उनके लिए काफी ज्यादा एक बढ़िया जो है कार उसने बनवा दी है. तो आज दोस्तों जो है फ्रैंकलिन, ट्रेसी एंड उसका न्यू बॉर्न बेबी दोस्तों जाने वाले हैं शिमला ट्रिप पे. अब आप लोगों को पता होगा गाइस लॉस सैंटोस पे शिमला कैसे आ गया, तो लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है गाइस लॉस सैंटोस से हम लोग मैप के बाहर जाने नहीं वाले हैं, हम लोग गाइस जाने वाले हैं ट्रिप पर. एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया ट्रिप होने वाली है गाइस फ्रैंकलिन और ट्रेसी उसके न्यूबॉर्न बेबी की. तो जल्दी से पहले मैं आप लोगों को फ्रैंकलिन, ट्रेसी और उसके न्यूबॉर्न बेबी से मिला देता हूं. तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इतना ज्यादा एक्टिव है और गाइस कितना ज्यादा शरारती भी है, और साथ में इस पे जो है नेचुरल सुपर पावर्स हैं गाइस, वो देख के मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई. जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रैंकलिन पे कुछ बाबा ने टेस्ट किए थे, तो मेरे ख्याल से दोस्तों उसी के कारण दोस्तों जो है यहां पर इस बच्चे पे दोस्तों जो है सुपर पावर्स आ चुकी हैं. ठीक है, तो आप लोग यहां पे देख पा रहे हो गाइस फ्रैंकलिन जो है काफी ज्यादा खुश भी है, बाकी दोस्तों अमेंडा भी काफी ज्यादा खुश है, और तीनों के तीनों दोस्तों जो है एक तरह से यहां पर जो है मतलब काफी अच्छी तरीके से उसको जो है देखने को मिल रहे हैं. तो जल्दी से मैं फ्रैंकलिन को बोलता हूं फ्रैंकलिन बिल्कुल रेडी हो जा और जल्दी से दोस्तों जो है ट्रिप के लिए चले जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कार बिल्कुल रेडी रखी है, तो जल्दी से मैं आप लोगों को मिलता हूं. तो ओके गाइस, फाइनली फ्रैंकलिन ने उसी के घर से एक काफी ज्यादा बढ़िया अच्छे कपड़े यहां पे पहन लिए, आप लोग देख पा रहे हो, और ट्रेसी भी यहां पर आ चुकी है. और देखो गाइस बच्चा, देखो गाइस अपने आप चल रहा है गाइस, कितनी ज्यादा मतलब अब इसका वॉकिंग स्टाइल देखो, लगता है गाइस अब ये छोटे से ही गैंगस्टर बनेगा क्या भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है. आप लोगों को क्या लगता है जरूर से मुझे कमेंट करके बताना. ठीक है, तो गाइस हम लोग अभी जो है फ्रैंकलिन यहां पर जो है बोल रहा है एक तरह से उनके बच्चों को, ओ भाई साहब अपने आप गेट खोल के बैठ भी गए जनाब साहब. तो अभी भाई यहां पे बेटे तुम यहीं पर रुको, मैं जल्दी से अभी जो है एक कार लेके आता हूं प्रीमियम मोटर डीलक्स स्पोर्ट से, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जो है निकलने वाले हैं माउंट चिल्याड पे. ठीक है, और वहां पे दोस्तों आप लोगों को फुल जो है पूरे शिमला की ही फीलिंग आने वाली है. ठीक है, क्योंकि बर्फ गिरी हुई है और बर्फ में दोस्तों आज तक हम लोगों ने माउंट चिल्याड की पूरी चढ़ाई नहीं की है. ठीक है, तो वो आज हम लोग करने वाले हैं, वहीं ऊपर दोस्तों थोड़ी बहुत ट्रिप होगी और उसके बाद देखने में काफी ज्यादा आप लोगों को मजा आने वाला है. ठीक है, तो जल्दी से अभी गाइस ये वाली जो है कार को मैं जल्दी से लेके जाने वाला हूं, और क्या पता हम लोगों का शिमला का जो ट्रिप है वो काफी ज्यादा बढ़िया होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक्सपीरियंस कुछ आप लोगों को वैसा ही मिलने वाला है. ठीक है, तो अभी दोस्तों माइकल ने प्रीमियम मोटर डिलक्स स्पोर्ट्स पे एक बहुत ही सही कार को जो है मॉडिफाइड करवा के मेरे लिए रखा हुआ है. जैसे कि आप लोगों को पता होगा फ्रैंकलिन ने दोस्तों यहां पर जो है उसी कार को दोस्तों जो है मॉडिफाइड करा के बॉडी बिल्डर माफिया और दानव माफिया को दोस्तों हम लोग बचाने गए हुए थे. तो फाइनली गाइस आप लोग यहां पे देख पा रहे हो वो रही वो वाली कार जो सामने खड़ी हुई है, जल्दी से पार्क कर ले और अपनी फैमिली को लेके निकल ले गाइस. ठीक है, मतलब फ्रैंकलिन को मैं बोल रहा हूं यहां पर अभी. ठीक है, तो यहां पर जल्दी से हम लोग उतरते हैं. तो गाइस ये रही वो वाली कार जो कि इसका नाम है आप लोगों को पता ही होगा गैलीवेंटर. ठीक है, तो इस कार को दोस्तों मैंने परफेक्टली इसलिए चूज किया है क्योंकि हम लोग जो है तीन बंदे हैं. अब दोस्तों अगर वो न्यू बॉर्न बेबी बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुआ होता, मतलब बॉर्न हुआ होता, तो आप लोगों को तो पता ही है कि गाइस उसको जो है ट्रेसी को गोद में लेके रहना पड़ता, तो जिसके कारण हम टू सीटर में भी कार में जा सकते थे. लेकिन गाइस उस बच्चे को, अब उस बच्चे का क्या नाम रखें, आप लोग के शॉर्ट आउट का समय आ चुका है. ठीक है, तो जो भी बंदे बोल रहे थे मेरे को शॉर्ट आउट दो, तो ऐसे ही जब भी मैं आप लोगों को बोलता हूं कि गाइस जो भी मैं कुछ भी नया आता है तो उसका क्या नाम रखें, नामकरण. ठीक है, मतलब बोलते हैं ना नामकरण, तो नामकरण जल्दी से आप इसको मेरे को कमेंट करके बता देना.
तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर दोस्तों जो है ट्रेसी और उसका जो है न्यू बॉर्न बेबी वो आने वाला है। तो बार बार न्यू बॉर्न बोलने में मेरे को थोड़ा बहुत वो लग रहा है, तो गाइस प्लीज़ इसका नाम जरूर से सजेस्ट कर देना जो भी मेरे को अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को जरूर से जरूर बताने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा विद नेम। तो गाइज़ वो छुटकू कहाँ बैठा है पता नहीं, लेकिन गाइज़ है काफ़ी ज़्यादा तेज़ और चटक और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों जो है मतलब शैतान भी है, ठीक है। लेकिन गाइस अपनी जो है पूरी पूरी बात मानता है, तो मेरे ख्याल से गाइस इसको पता नहीं कौन सी पावर यहाँ पे मिली हुई है। तो चलो अपनी ट्रिप जो है स्टार्ट हो चुकी है गाइस। तो अभी ये वाली कार को मैं लेके जाने वाला हूँ माउंट चिलियार्ड, यानी दोस्तों एक तरह से शिमला। तो दोस्तों देखो आम माउंट चिलियार्ड में हम लोग चढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है और काफ़ी ज़्यादा रोड जो है बोरिंग लगता है। लेकिन गाइस जब बर्फ़ गिरी हो, बर्फ़ गिरने में हो और उसके बाद दोस्तों सेम वैसे ही पेड़ जैसे आप लोगों ने दोस्तों शिमला या फिर कुल्लू मनाली वगैरह में देखे होंगे गाइस, सेम वैसा ही एक्सपीरियंस आज आप लोगों को जो है मिलने वाला है फ्रैंकलिन और ट्रेसी और उसके न्यूबॉर्न बेबी के साथ, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो अभी दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार सीन होने वाले हैं मेरे ख्याल से, ये लोग खूब जो है एंजॉय करने वाले हैं। और पहली बार दोस्तों मैं माउंट चिलियार्ड का जो रास्ता है वो बिल्कुल स्किप नहीं करने वाला हूं। अगर आप लोगों को दोस्तों ब्लॉगिंग वगैरह पसंद है जिसके कारण आप लोग पूरा जो है सफ़र देखना चाहते हो वही लोग दोस्तों प्लीज़ इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। बाकी दोस्तों जिसको भी पसंद है वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना गाइस, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वैसे दोस्तों ट्रैवलिंग करना किसको पसंद नहीं होता है, ठीक है। तो बाकी आप लोग यहाँ पे सीन देख सकते हो, बिल्कुल शिमला जैसे स्टार्ट हो चुका है। वैसे ही दोस्तों क्रिसमस ट्री वाले प्रिंट लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है एक तरह से सीन, और सिनेमैटिक शॉट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर जो है फ्रैंकलिन कैसे ना कैसे करके आज इस वाली गाड़ी को पूरा का पूरा दोस्तों जो है ऊपर तक चढ़ाने वाला है। होपफुली हम लोगों ने दोस्तों जो है भगवान को मतलब एक तरह से पूरा मतलब उससे नतमस्तक करके निकले हुए थे घर से, ताकि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो, क्योंकि ऐसी कार्स में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो सकते हैं और हम लोगों को जाना दोस्तों वहाँ तक है। तो वहाँ तक का सफ़र काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है मेरे ख्याल से। तो आप लोग देख पा रहे हो उतना ऊँचा हम लोग को अभी दोस्तों जो है पूरा ट्रैवल करना है। और गाइज नवाब जी यहाँ पर आ गए, आप लोग देख पा रहे हो कितना ज़्यादा खतरनाक बंदा लग रहा है गाइज ये, ठीक है। तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताना गाइज ये न्यू बॉर्न बेबी आप लोगों को लगा कैसा, और इसका दोस्तों जो है मेरे को एक तरह से आप लोग वो भी बता देना नेम वगैरह। अब आप लोग हैरान हो गए, कल परसों ही डिलीवरी हुई है दोस्तों एक तरह से मतलब ट्रेसी की, तो गाइज इतना जल्दी वो न्यू बॉर्न कैसे हो गया। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया इसमें दोस्तों सुपर नेचुरल पावर्स छोटे से ही हैं। अब वो पता नहीं आई कैसे दोस्तों, उसका भी हम लोग पता बाबा से लगवा लेंगे, ठीक है। बाबा आप लोगों को पता होगा दोस्तों, हम लोग काफ़ी ज़्यादा पहले वीडियो में हम लोग जो है बाबा को देख रहे थे, लेकिन गाइज उनसे भी मैं आप लोगों को जल्दी मिलवाने वाला हूँ, ठीक है। तो फाइनली हमारी जो है ऑफ रोडिंग एक तरह से मतलब शुरू हो चुकी है गैलीवेंटर में। लेकिन गाइज ये कार जो है पूरी की पूरी फॉर्च्यूनर, साथ ही साथ में दोस्तों जितनी भी एसयूवीज हैं सबका दोस्तों जो है एक तरह से सेम लुक देने वाली है, चलने में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। माइकल ने दोस्तों ये बोला था कि बिल्कुल ही आराम से लेके जाना है तुम्हें, और अगर कहीं भी गाड़ी ना चढ़े तो हमने तुम्हें बूस्ट भी दे रखा है जिसके कारण जो है तुम लोगों की गाड़ी जो है आराम से ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो बूस्ट का काम रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है, वो आपकी स्पीड को थोड़ा और एनहांस कर देती है। तो गाइज यहाँ पर जो है कितनी ज़्यादा एडवेंचरिंग ट्रिप होने वाली है हम लोगों की, गाइज आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, ओ भाई साहब मतलब यहाँ पर गाइज आप लोग देख पा रहे हो कैसे ना कैसे करके दोस्तों फ्रैंकलिन जो है अच्छी तरीके से पूरी जो है अपनी फुल ऑफ रोडिंग दिखाने वाला है दोस्तों ट्रेसी और अपने न्यू बॉर्न बेबी को। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा हम लोग तो गैंगस्टर हैं एक तरह से, हम लोग की कार पूरी की पूरी मॉडिफाइड रहती है, तो हम लोग अलग मतलब अलग तरीके से ही माउंट चिलियार्ड से उतरते थे, मतलब कहीं से भी ऊपर से खाई से दोस्तों अपने आप को फेंक देते थे और कार लैंड हो जाती थी। लेकिन गाइस अभी क्या है ना फैमिली टाइम चल रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि कभी भी हम लोगों ने इतनी धीरे कार नहीं चलाई होगी, आप जरूर से मुझे कमेंट करते कभी भी मैंने इतनी धीरे कार चलाई है, नहीं चलाई। लेकिन गाइस कभी भी मैंने आप लोगों को माउंट चिलियार्ड की चढ़ाई कभी नहीं दिखाई। तो गाइस कैसा लग रहा है आप लोगों को पूरा मौसम जरूर से मुझे कमेंट करके बता देना, आ रहा है बिल्कुल शिमला वाला फील कि नहीं आ रहा है गाइस। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ऊपर की तरफ में काफ़ी ज़्यादा थोड़े धूप धूप सी है, ऊपर इतनी बर्फ़ तो नहीं गिरी है, पर दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्या पता दोस्तों बर्फ़ का तो मौसम ही चल रहा है, वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि गाइज यहाँ पर जो है टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है हम लोगों को चढ़ने में, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो अभी हम हमारी फुल ऑफ रोडिंग चले जा रही है गाइज इस वाली गैलीवेंटर गाड़ी से। वैसे दोस्तों मैं इसे रेंज रोवर बोलूँ तो आप लोगों को कैसा लगेगा, ठीक है, क्योंकि गाइज यहाँ पर जो है ये वाली कार है पूरी की पूरी दोस्तों एक तरह से ऑफ रोड है, और साथ ही में दोस्तों जो है एक तरह से पूरी की पूरी ये रेंज रोवर लगती है, ठीक है, जो कि दोस्तों मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है वाली कार, ठीक है। और यहाँ पर गाइज आप लोग देख पा रहे हो अभी मैं इसको कैसे ना कैसे करके ऊपर चढ़ा के लेके जा रहा हूँ,
फुल ऑफ रोड का मज़ा दोस्तों आ रहा है, ठीक है। वैसे आप इमेजिन करो, अगर आप लोग दोस्तों शिमला ट्रिप में जा रहे हो और आप लोगों को ऐसी कार दे दी जाए पूरी की पूरी मॉडिफाइड, साथ में दोस्तों बूस्ट भी दे दी जाए, तो आप लोग पहाड़ चढ़ना पसंद करोगे कि नहीं करोगे? एग्जैक्टली सी बात है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है गाइस, सब कोई पसंद करेगा ऐसे दोस्तों जो है ट्रिप करना। ट्रिप में क्या होता है, घूमना ही नहीं होता है दोस्तों, ट्रैवलिंग पार्ट काफ़ी ज़्यादा मेन रहता है। अगर आप एक अच्छे ट्रैवलर हो गाइस, मुझे तो ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे अगर कोई बोल दे पूरे दिन ट्रैवल करना तो गाइस मैं ट्रैवल ही करता रहूँगा। लेकिन गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए, ट्रैवल में हमेशा से अच्छा पार्ट ये होता है, आप खुद कार ड्राइव कर रहे हो और खुद ही, ओ भाई साहब अबे मेरी स्पीच ख़राब कर दी इस बंदे ने। गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं इतना अच्छा अभी बोल रहा था, अबे तू मेरे किसी का, ओ भाई साहब लो भाई फ्रैंकलिन के धक्के से ही गाइस ये नीचे जाके गिर चुका है। अच्छा खासा जा रहा था अपना जो है हाइकिंग करने, और गाइस अभी इस बच्चे को देखो गाइस, आप लोग इसकी दम देखो यार, हद हो गई गाइस, ये उसे मारने जा रहा है भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है गाइस कि ये इतना ज़्यादा खतरनाक बंदा है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पे देख पा रहे हो गाइस कि ये जो है अभी बैठ रहा है बिल्कुल नवाबों की तरह, ओ भाई साहब बंदे जी आगे बैठेंगे, चलो कोई बात नहीं बैठ जाओ, कल इसका नाम जरूर से बता देना। तो भाई मैं इसे न्यू बॉर्न बॉय भी बेबी बोलना बंद करूँ और नवाब बोलना बंद करूँ, ठीक है, मेरे को चाहिए इसका नाम, तो आप लोग जरूर से सजेस्ट कर देना। तो फिलहाल जैसे ही हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है गाइस और माउंट चिलियाट आने ही वाला है, तो जल्दी से मैं आप लोगों को ऊपर मिलता हूँ। तो फाइनली जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था गाइस, वेदर जो है कभी भी चेंज हो सकता है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो बर्फ़ जो है दोबारा गिरना शुरू हो चुकी है, और यहाँ पर दोस्तों अब आप लोगों को पूरी की पूरी जो है शिमला वाली फीलिंग आ रही होगी गाइस, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, मतलब पूरा का पूरा जो है बर्फ़ से दोस्तों ढका हुआ है। हमने आधा अपना जो है सफ़र यानी कि 85% हम लोग दोस्तों जो है ऊपर आ चुके हैं, और कैसे आए हैं गाइस बिल्कुल मज़े करते करते। और यहाँ पर तनिषा का कॉल आ रहा है, भाड़ में जा तू, अभी तेरी शादी हो गई थी ना, आप मेरे को कॉल क्यों कर रही है पता नहीं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो फाइनली बातें करते करते गाइस मैं ऊपर जो है आ चुका हूँ, फाइनली हम लोग माउंट चिलियाट के ऊपर ट्रिप में चढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों फ्रैंकलिन जो उतर चुका है, अब हमारी जो है यहाँ पे पार्टी स्टार्ट होने वाली है, थोड़ा बहुत चिल आउट चलने वाला है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो गाइस, ओ भाई साहब यहाँ पर जो है हुड डांस आते जो है चालू हो चुका है, कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। और इस बच्चे की भाई दम देखो भाई, तू अभी पैदा हुआ है, अभी से ही पुशअप मारेगा तो इतना का इतना ही रह जाएगा। तो भाई गाइस कसम से भाई ये हद हो रही है इसकी अभी। तो जहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो गाइस, स्टार्ट हो चुका है फोटो सेशन, मतलब छोटी सी ट्रिप है हम लोगों की, मेन हमारा मकसद ये था पहाड़ चढ़ना, एक तरह से पूरा शिमला का आप लोगों को ट्रिप देना, मतलब एक तरह से फुल फील देना, ठीक है। दूसरा दोस्तों हम लोगों का एक मोटिव था, यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से फोटिंग फोटोशूट चल रहा है, अभी मैं दोस्तों इसको जो है अपने फ़ोन में भी दोस्तों जो है एक तरह से स्टोर करके रख लेता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक तरह से ट्रेसी और बच्चा थक गया है, तो गाइस बच्चा जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत सोने की एक्टिंग कर रहा है या फिर सो रहा है मुझे पता नहीं। तो जैसे ही दोस्तों हम लोग अभी घर जाने लग गए थे गाइस, ये चलना शुरू कर दिया, कितना ज़्यादा भाई ये शरारती लड़का है। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख पा रहे हो, चलते चलते देखते देखते गाइस यहाँ पर रात हो चुकी है। तो ये वाला जो छोटा सा ट्रिप था, मतलब ज़्यादा कुछ हमने खास यहाँ पर किया नहीं, लेकिन गाइस जो भी था काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मेरे को। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, आप लोग भी दोस्तों ऐसे अगर रियल लाइफ ट्रिप में जाओगे तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो मज़ा आने वाला है वो ड्राइविंग में मजा आने वाला है, और साथ में दोस्तों ऐसी ड्राइविंग में जब कोई खतरनाक ऑफ रोड कर रहा हो और उसके दोस्तों जो है सीन लेने में आप लोगों को डेफिनेटली काफी ज्यादा मजा आने वाला है।
ठीक है। तो व्लॉगिंग दोस्तों ऑल अबाउट ट्रैवलिंग, ठीक है, मतलब ट्रैवल जो जितना करता है ना उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है एक्सपीरियंस भी होता है, और साथ ही साथ में दोस्तों जो है हम लोगों ने ऊपर थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट किया है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, अगर कोई भी ट्रैवल करता है गाइस, तो उसका जो है 85% सिर्फ और सिर्फ मतलब जो ट्रिप में जाता है वो सिर्फ ट्रैवलिंग का जाता है, जिसमें आधे से ज़्यादा मज़े वो वहीं पर लेता है। हंसते खेलते जाना, बातें करना दूसरों से, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो गाइस यहाँ पर जाते जाते मेरे ख्याल से रात हो चुकी है, और यहाँ से मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा छोटा सा व्यू देना चाहता हूँ लॉस सैंटोस का, और जहाँ से आप लोग जो इंडिया वाले देख रहे हैं उन्हें पूरा जो है शिमला का फील मिलने वाला है। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो प्यारी सी छोटी सी झील है, साथ में दोस्तों यहाँ पर इतना अच्छा माउंटेन है, और सनसेट मतलब एक तरह से मून सेट हो रहा है यहाँ पर, मतलब मून निकल रहा है, तो जिसके कारण पानी में दोस्तों उसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा प्यारा आ रहा है। और भाई यहाँ पर जो सीन है ना वो सच में नेक्स्ट लेवल है। तो चलते चलते गाइज यहाँ पर जो है और ज़्यादा रात होने लग रही है, मतलब हम लोग अभी वहाँ पे थोड़ा सा और उजाला था, तो जल्दी से मैं दोस्तों आप लोगों को डायरेक्ट जो है मिलने वाला हूँ। बाकी ट्रेसी बोल बोल के थक चुकी है कि मुझे नींद आ रही है, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बर्फीला इलाका जो था काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहा है हम लोगों का, और ये ट्रिप दोस्तों यादगार रहेगी क्योंकि हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर जो है फ़ोटो वगैरह खींची, थोड़ा बहुत डांस वगैरह किया, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मज़े की। ऊपर हम लोग खाने की तो उम्मीद कर नहीं सकते, इसलिए दोस्तों हम लोग जो है मतलब खाना भी नहीं लेके आए हुए थे, लेकिन हम लोगों ने थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह रख लिए थे दोस्तों, जो है अंदर खा रहे थे। तो जल्दी से मैं आप लोगों को डायरेक्ट जो है अपने फ्रैंकलिन हाउस में मिलता हूँ, क्योंकि गाइज़ यहाँ से उतरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो की गई फाइनली आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं आ चुका हूँ दोस्तों फ्रैंकलिन हाउस पर, और कार की जो मॉडिफिकेशन है वो और ज़्यादा एनहांस हो चुकी है रात में। पीछे जो है पर्पल कलर की दोस्तों जो है बैक लाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। जो डाउन लाइट आप लोग देख पा रहे हो चारों साइड पर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, कार भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, और ट्रिप जो है हमारी पूरी की पूरी सक्सेसफुल हुई। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। आज मैंने थोड़ा कुछ अलग ट्राई करने का कोशिश किया था, तो मैंने सोचा था आप लोगों को ट्रिप दिखाई जाए विद न्यू बॉर्न बीबी के साथ। तो वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और पर टिक कर लो। तो फाइनली जो है ट्रेसी भागते भागते जो है एक तरह से बेड पर जाकर सो चुकी है, और ये बच्चे का नाम जरूर से मुझे सजेस्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में शॉर्ट आउट के साथ, अपने नाम जरूर से डाल देना। लव यू ऑल।